हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो आज मैं रेडी हो चुकी थी, मतलब मैं शावर ले लिया था हेयर वॉश करके, और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था पोहा, और पोहे के साथ साथ मैं बाहर का जो क्लाइमेट था वो बहुत इंजॉय कर रही थी। इतना ज़्यादा बारिश था ना, बहुत ही ज़्यादा, और इसी की वजह से हम लोगों का पूरा फंक्शन थोड़ा सा डगमगा गया था। और यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस फिर चेंज कर लिया था, और यहाँ पर मैंने अपना बहुत ही सुंदर सा न्यू जो स्टिच कराया था वो शरारा ड्रेस पहना था, और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें वेन्यू के लिए निकलना था, क्योंकि आज था मेरी भाभी का बेबी शावर, तो यहाँ पर हम वेन्यू के लिए निकल रहे थे, और देखिए कितना तेज बारिश है। यहाँ हम लोग कार से वेन्यू के लिए पहुँच गए थे, मतलब हमने दो कार ली थी, और मेरी भाभी बहुत कोशिश कर रही है बाहर आने की कार से, क्योंकि उसका गाउन के साथ उससे निकलते ही नहीं बन रहा था। एक तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर मेरा भाई उसे हेल्प करने के लिए गया था, मेरा भाई भी और उसका भाई भी दोनों। फिर यहाँ पर हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए, और जो बलून मतलब डेकोरेशन वाले भैया को हमने कहा था डेकोरेशन का, वो भैया यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके थे, उन्होंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। और बहुत बारिश था, सारे गेस्ट आने लगे थे, और इतना बारिश था ना, हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए भैया का जो है बलून डेकोरेशन का वो सारा काम चल रहा है। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं प्रॉपर्टी में इंटर होती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पर जो बैक साइड था ना प्रॉपर्टी का, वहाँ पर स्विमिंग पूल, जकूची और बहुत सारा मतलब ओपन एरिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था पहले कि थोड़ा इन्जॉय करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, लेकिन इतना बारिश था ना, हम लोग पूल में भी नहीं जा पाए और कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा बारिश था। यहाँ मेरी भाभी बहुत मशक्क़तों के बाद आ गई थी अपने गाउन को और अपने वेट को लेकर प्रॉपर्टी के अंदर इंटर हो चुकी थी। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी पे ही है, और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ना 1 BHK प्रॉपर्टी था, ये जो है ये डाइनिंग एरिया था, ये जो है वॉश एरिया था, मतलब बेसिन वगैरह था यहाँ पर, ये किचन है, किचन में सारी एमिनिटीज़ थी, मतलब फ्रिज भी था, माइक्रोवेव था। उसके बाद यहाँ पर 1 BHK एक रूम है, तो ये बहुत ही अच्छा बेडरूम था, और उसी के साथ उसका वॉकिंग वार्डरोब भी है। और मेरी भाभी यहाँ कह रही है कि प्लीज़ बारिश को रोक दो, प्लीज़ बारिश को रोक दो। और यहीं से जो पीछे का स्विमिंग पूल का जो एरिया था वो भी आ जाता है, मम्मी भी आ गई थी बात करने के लिए सबसे। ये जो है ये है वॉकिंग वार्डरोब, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिरर था, मैंने बहुत सारी सेल्फीज़ क्लिक की थी यहाँ पर, मिरर सेल्फीज़। और उसके बाद ये वॉश एरिया था, मतलब वॉशरूम था यहाँ पर। और ये देखिए मेरी भाभी आ गई थी बीच में, जो कि सामान रखने के लिए आ रही थी। बहुत सारा सामान था हमारे पास, क्योंकि उसे चेंज भी करना था, उसके कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने थे, तो उसे 2-3 बार चेंज करना था। तो पहले वो ये गाउन पहन के आई थी, जिसपे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उसके क्लिक करने थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी भी है, जो मम्मी को भी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे, तो मैंने सभी के फ़ोटोज़ जो है वो कैमरा से क्लिक किए थे। यहाँ पर डेकोरेशन वाले जो भैया थे, बलून डेकोरेशन वाले भैया, वो अपने ही काम में लगे हुए थे। वो देखिए उनका पूरा काम रेडी था, जब तक हम लोग इंटर हुए, हम लोग यहाँ पर आए, मतलब तब तक तो उनका ऑलमोस्ट काम रेडी हो गया था, सिर्फ रिंग को बाहर रखना था। लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बाद में रखिएगा, इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ रेडी करके हमें सारा सामान देकर चले गए थे। यहाँ पर जो है मैं पूल इंजॉय कर रही थी, मतलब इतना अच्छा बारिश हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब तक मेरी भाभी रेडी हो रही थी, मतलब उसका बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह बाकी था, तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आराम से घूम रहे थे, मम्मी मैं, और ये जो है अक्षर, वो मेरी बहन का बेटा है। तो यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब है, और ये यही से थम से जो ये कर रहा है ना इशारा, वो वही कर रहा है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर मैंने म्यूज़िक इंजॉय किया, जब तक कि बाकी का मतलब चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद हमने सारा सामान जब आ गया था बाकी दोनों गाड़ियों से, बाकी की गाड़ियों से, उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पैकिंग था वो बाकी था, तो वो भी किया। यहाँ पर मेरी भाभी अब जो है अपना ड्रेस भी चेंज कर चुकी थी, और वो देखिए साड़ी में पहन चुकी आ चुकी थी पहन के। फिर उसके बाद ये जो फ्लावर ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, ये इसने खुद से बनाया था, क्योंकि जब मम्मी और भाभी यहाँ गए थे ना, तो बहुत एक्सपेंसिव था, तो उसने कहा कि मैं खुद ही बना लूँगी, तो उसने सामान लेके खुद ही बना लिया था। फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ गए थे, पहले मेरी भाभी थी, ये दीदी जिया जी, ये सब लोग आ गए, और हम लोगों ने यहाँ पर ना सबके हैंड प्रिंट्स लिए थे एक बेडशीट पे, जिसमें कि हम बेबी होने के बाद उस बेबी को
उसमें डालेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था ये, मैंने देखा था काफ़ी सारे रील्स और शॉर्ट्स में, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सभी के मतलब प्रिंट्स लिए थे। ये मेरी दादी थी, जितने भी गेस्ट आए थे हमने सभी के हैंड प्रिंट्स लिए थे। मैंने भी फटाफट से चेंज कर लिया और ऑरेंज कलर का एक बहुत ही सिंपल सा साड़ी वियर किया था मैंने, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम बारी थी डेकोरेशन की, मतलब बारिश थोड़ा रुक गया था तो हमने पूरा बलून्स वगैरह यहाँ पर डेकोरेट कर दिया था। जितना भी सामान था हमने पैक करके रखा था जो गोद भराई के लिए, मतलब बेबी शार में लगता है हम लोगों में, वो सारा उसके मायके से, भाभी के मायके से भी आया था और हम लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें लाई थी। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डेकोरेट करके रख दी थी टेबल्स पे। उसके बाद यहाँ पर हमने केक भी ऑर्डर किया था, लेकिन केक हम लोग लाए नहीं थे क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे, तो हमने सोचा कि बाद में बाहर लाए, तो इसलिए हम लेके नहीं आए थे। या फोटोग्राफर भैया जो है वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, ये मेरे पापा थे जो आकर बैठ गए थे कि नहीं सबसे पहले मेरा फ़ोटो क्लिक किया जाए। ये भाभी के सामने जितनी भी चीज़ें डेकोरेट करके रखी वो हमने कुछ चीज़ें हाथ से पैक की थी और बनाई थी, और कुछ चीज़ें हैं जो वो हम लोग मार्केट से परचेज़ कर लाए थे, मतलब ये टोकरी वगैरह ये सब मार्केट से लेके आए थे फोटोशूट के लिए स्पेशली। तो हम लोग महाराष्ट्रियंस हैं, तो हम लोगों में जो गोद भराई है उसमें सिंपल सभी लोग आते हैं और यहाँ पर गोद भरते हैं, मतलब किसी एक फ्रूट के साथ या किसी मतलब और चीज़ के साथ गोद भरी जाती है। तो राइस या फिर गेहूं का यूज़ किया जाता है, मतलब वीट और राइस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मेरी भाभी है, मतलब ये गोद भरी थी, तो मतलब हल्दी कंकू लगाकर और गोद भरी जाती है एक फ्रूट के साथ किसी, तो और अनाज के साथ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी भाभी को गोद में पपीता दिया था, मतलब रैंडम जो भी फ्रूट्स, हम लोगों ने पूरा बास्केट ही लाया था, जो भी रैंडम फ्रूट्स आ रहे थे वो उसी के थ्रू हम लोग सारे इसकी गोद भरते जा रहे थे। बीच बीच में बहुत से लोग मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए भी आ रहे थे, इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पाया है। आई ट्राई कि मैं पूरा वीडियो अपलोड कर पाती, लेकिन पूरा वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन जितना पॉसिबल था उतने क्लिप्स मैंने लिए थे, कुछ कैमरा से लिए थे और कुछ मोबाइल से लिए थे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गेम्स रखे थे जिसमें सब लोगों को बलून फुला कर लेकर आना था, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था फर्स्ट टाइम में। देन फिर हमने सेकेंड टाइम फिर से ट्राई किया और सेकेंड टाइम थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ मेरी बुआ का बलून फूट ही नहीं रहा था जिसके कारण वो बहुत हंस रही थी और मैंने बीच में आके ही बलून फोड़ दिया था। लेकिन ये बहुत अच्छा, और मैंने ये रील मतलब शॉर्ट्स में अपलोड किया था यूट्यूब पे और रील्स में भी इंस्टा पे अपलोड किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिएगा अगर आपने ये मेरा शॉर्ट्स नहीं देखा हो तो। इसके बाद अब बारी थी सस्पेंस खुलने की। ये दोनों यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा बॉक्स खोला जाए, क्योंकि एक बॉक्स में लड़का है एक में लड़की, मतलब एक में बॉय डॉल था और एक में गर्ल डॉल थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो बॉक्स ओपन किया था उसमें बॉय मतलब बॉय डॉल निकला था, लड़का निकला था। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो भी बॉक्स खोला जाता है लड़के का या लड़की का तो वही होता है, तो इन्होंने लड़का खोला है। तो अभी थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा कि लड़का होने वाला है या लड़की। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स था वो दूसरे बड़े भाई ने खोल दिया था, तो एनीवेज उसमें लड़की ही था, सिर्फ उन्हें मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए खोलने के लिए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि एक तो ऑलरेडी खुल चुका था। अब दूसरी बार हम लोगों में ना मिठाई रखी जाती है, पेड़ा जलेबी ये सारी चीज़ें, तो जब इसने डब्बी खोली तो उसमें भी पेड़ा निकला था। इट मीन्स कि बेबी बॉय आने वाला है। तो यहाँ पर सभी लोग इसे कह रहे थे कि नहीं तुझे तो बेटा ही होगा, कृष्ण कन्हैया ही आएंगे क्योंकि जन्माष्टमी है, उसके पास का ही डिलीवरी डेट है एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद बारी थी केक कटिंग की। तो यहाँ पर ना सब लोग केक कटिंग के लिए आ चुके थे। ये जो केक टॉपर था ये स्पेशली अनु राव, इन दोनों के नाम का इन लोगों ने बनवाया था। केक भी स्पेशल हमने ऑर्डर करके मंगवाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि केक लाने के टाइम इतना बारिश था और धक्के मतलब कार में जब लेकर आया ना तो थोड़ा सा केक हिल गया था, जिसमें से जो बेबी के शूज़ बने हुए थे वो गिर गए थे। उसी के बाद ना मेरे एक नेफ्यू का बर्थडे भी था जिसका नाम है प्रेम, आप देख ही सकते हो ब्लू शर्ट में खड़ा हुआ है, तो उसका भी हमने सोचा कि इसी के साथ केक कटिंग कर दिया जाए क्योंकि उसी दिन उसी का भी बर्थडे था। तो यहाँ पर वो भी आकर रुका हुआ था, तो पहले इन लोगों ने पहले केक कट कर दिया था, मतलब मेरे भैया और भाभी ने, इन दोनों ने पहले केक कट कर दिया, फिर सेम केक उसने भी कट किया था, क्योंकि दो दो केक लाने का कोई सेंस नहीं था और बारिश के दिन थे, अगर नहीं खा पाते इतना सारा केक और बहुत सारा खाना था दूसरी बाकी भी चीज़ें थी, तो इसलिए पहले इन दोनों ने ये केक कट किया था और बाद में फिर प्रेम ने सेम केक कट किया था, और उसने ऑलरेडी घर पर दो केक कट कर चुका था, तो इसलिए। और ये देखिए यहीं पर हम लोग सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर केक कटिंग वगैरह सब होने के बाद बारी थी फोटोशूट की, तो यहाँ पर सब लोग मतलब फैमिली वाइज, मतलब हमारी पूरी फैमिली में भी जो छोटी छोटी फैमिलीज है वो लोग सब मेंबर्स आके फोटोज क्लिक कर रहे थे, और उसके साथ हम लोगों ने नेम बोर्ड्स भी लेकर आए थे, तो वही हाथ में लेके मॉम टू बी, डैड टू बी, बुआ टू बी, बड़े पापा टू बी, लाइक दिस वी हैव मीन्स बॉट ऑल द नेम्स एंड ऑल द रिलेशनशिप बोर्ड्स, तो ये सारा लेकर सभी लोग यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे थे। तो ये मेरी भाभी के साइड के कुछ लोग थे, ये हमारी फैमिली के हमारे साइड के लोग थे, ऐसे ही सभी लोगों ने। फिर उसके बाद बारी थी मेरी दादी की, मतलब दादी जो है अब परदादी बन गई है, वैसे वो बहुत पहले ही परदादी बन चुकी थी, लेकिन अभी हमारी फैमिली से फर्स्ट बेबी इसको हो रहा है तो परदादी बन चुकी थी। अब यहाँ पे तीन बहू थी, और जो कि मेरी मम्मी है वो गाना गा रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ये एक दूसरे को ऐसे हाथ दिखा रहे। और उसके बाद ये हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने एक भी फ़ोटो ठीक से क्लिक नहीं किया था, मैंने अपने फ़ोटोग्राफर को भी बहुत चिल्लाया कि मेरे फ़ोटोज़ क्लिक करो। यहाँ पर ये मेरी सारी नीज है जिनके साथ मैं बहुत टाइम के बाद मिली थी, तो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। उसके बाद ये जो बच्चे लोग थे ना, इनको तो स्विमिंग पूल में जाना ही था, तो ये लोग सब की सब देखिए कैसे कूद चुके थे पूल में। इन लोगों को किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मॉम डैड चिल्ला रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना चाहते थे और नहाने में बिजी थे। यहाँ पर कुछ लोगों का खाना बाकी था, वो खाना खा रहे थे। कुछ लोग पीछे जो हम लोगों ने विट्ठल रुक्माई रखे थे ना, उनके साथ रील्स और शॉर्ट्स मतलब शूट कर रहे थे, क्योंकि सभी को अपने अपने रील्स बनाने थे। ये मेरी बुआ है, बड़ी बुआ है, पीछे मेरे पापा, मेरा नेफ्यू, ये लोग सभी बैठे थे, हम लोग सब लोग साथ में बैठे थे, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था इन लोगों के साथ बैठने का। फिर बारी थी एक्चुअल धमाल की, डांस। हमारी फैमिली का कोई भी फंक्शन हो और विदाउट डांस पूरा हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए लास्ट में लगाए हम लोगों ने सॉन्ग्स और बहुत डांस किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बारिश आ रही है, नीचे कीचड़ हो रहा है, कपड़े ख़राब हो रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हम लोग सिर्फ इंजॉय करना चाहते थे और हम लोग सब लोग डांस कर रहे थे। यहाँ पे बच्चे भी, हमको बलून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब लोग अपना अपना इंजॉय करने में लगे थे। और एक्चुअल ये प्रॉपर्टी बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब ये जो फार्म हाउस हम लोगों ने मतलब रेंट पर लिया था ना, ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी और बहुत ही अच्छा लगा। ये 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ प्रॉपर्टी है और इंदौर सिटी में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पर बहुत अच्छा बना हुआ प्रॉपर्टी है। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी। इफ़ यू वॉन्ट टू arrange any party or anything, you can comment in the comment box, so I'll give you the contact details and all the things. And thank you so much for watching this video. Please do like and share this video and subscribe to my channel. Bye guys. So please, agar aapko ye video achhi lagi ho to mere channel ko like subscribe kijiyega.